जनपद नैनीताल के ग्राम हली रातीघाट में ग्रामीण हेम जोशी द्वारा आरोप लगाया गया कि सड़क बनाने के नाम पर वन विभाग के मिले भगत से दर्जनों पेड़ों को काट दिया गया। उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक इसकी सूचना दी, पर गांव के कुछ लोगों व उनके भाइयों द्वारा जानलेवा हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेम जोशी ने जिला अधिकारी को पत्र भेजकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। श्री जोशी का कहना है कि पेड़ों को काटकर तस्करी की जा रही है और भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व विवाद हो जाने पर श्री जोशी को चोट आ गई, जिसका उपचार राजकीय अस्पताल नैनीताल में कराया गया। नीचे हमारा घर है, हमें नुकसान हो रहा है, यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, दीवार लगी हुई है और यहाँ से पत्थर गिरते हैं, हमारे वहाँ खेतों में नुकसान होता है, बगीचे में नुकसान होता है, डर लगती है हम लोगों को। और हम ये जीत करके घर आया और मेरे को सरकार ने भी नहीं देखा कि भाई इसने झूठा इसको वो किया, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं दर दर भटक करके अपनी आजीविका चला रहा हूँ और आज भी मैंने शिकायत की, जब तो घर में भी मेरा झगड़ा हो जाता है और कुछ नहीं हुआ तो घर का झगड़ा डाल देते हैं, जमीन जायदाद का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा डाल देते हैं। हकीकत में है कि मैं पर्यावरण और अपने पहाड़ को बचाना चाहता हूँ और ये लोगों के देखो हरकत है। मैंने पूरी वीडियो जितने पेड़ काटे हैं और जितना ये रोड खोद रखी है, एक एक रास्ता एक एक वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर रखी है कि मैं सरकार को दूं। मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी ये पेड़ों की पूरे पूर्व में लिखी शिकायत, मैंने कई अर्जियां मैंने विभाग को प्रशासन को दे रखी हैं, मैंने हर किसी को दी, एसडीएम तहसील कोशिया कोटोली को दी और डीएम नैनीताल को दी। मेरी कोई भी अर्जी में गौर नहीं किया गया, मात्र एक अर्जी में गौर किया गया, वो उस समय शेष कुमार जी माननीय एसडीएम शेष कुमार जी थे, तो तब उन्होंने जानकारी वो किया, तो मुझे सरपंच के कहने पर और ग्राम प्रधान के इन लोगों के कहने पर इन लोगों ने मेरे को 354/506 के तहत जेल कराई। मैं बड़ा दुखी हूँ और मैं देश प्रेमी जो है, पर्यावरण प्रेमी जो है, जो मेरे पहाड़ के हित में मेरे पहाड़ को बचाना चाहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो मेरा साथ दें और ये पर्यावरण और पहाड़ को बचाने में मेरा सहयोग करें। और मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे से साथ डिबेट करें, मेरी प्रार्थना है कि वो मुझे डिबेट में लें और मैं इसमें डिबेट करना चाहता हूँ। और ये मैं एक वीडियो बना करके, मैंने आज से नहीं कई दिनों से वीडियो बना रख करके देर किए, मैं वो पुरानी वीडियो भी दूंगा और आज की वीडियो भी दूंगा मीडिया को, और मीडिया आकर स्वयं इसका जायजा ले। मेरी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है और मैं माननीय डीएम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे जो नैनीताल के हैं जिला अधिकारी महोदय से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूं कि मेरी अर्जी पर गौर करें। मैंने बहुत पुरानी अर्जी को मैंने आज नहीं बना करके दे रखा है, जिसमें मैंने आपको तब से आज तक की पूरी कहानी डिटेल में दे रखी है। महोदय मेरी प्रार्थना सुने। मेरा माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि मैं ये जो वीडियो बना करके दे रहा हूँ, मैं ये अपनी जिंदगी को दांव में लगा करके कर रहा हूँ, मेरे को कभी भी कोई भी हानि पहुंचा सकता है और किसी भी बहाने से मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि मैं कई बार इन लोगों के ऐसे षड्यंत्र में मैं फंस चुका हूँ और मैंने बड़ी मुश्किल से